आरजेडी ऑफिस को फिलहाल बंद कर दिया गया है। आपको ये बता दें चले कि बिहार में बढ़ते कोरोना को देखते हुए इस तरह के जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। आपको बता दें कि कार्यालय को सिर्फ बाहरी लोगों के लिए बंद किया गया है। मामले में आरजेडी प्रवक्ता और पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव ने बताया कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कार्यालय में सिर्फ पार्टी के पदाधिकारियों को ही अंदर जाने की अनुमति है। कोविड के जो गाइडलाइंस हैं और सरकार ने भी जारी किए हैं, भारत सरकार ने भी जारी किए हैं, तो मेरा साफ मत है कि वैश्विक संक्रमण ये मानवता पर कहीं न कहीं खतरा है। पर ये बात जरूरी है, राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय लिया है, हित में निर्णय लिया है कि हमारे जो पदाधिकारी हैं जो रूटीन वे में आते हैं वो सबके अल्टरनेटिव डे सुनिश्चित किए गए हैं, उसके हिसाब से आएंगे और अनावश्यक कोई भी भीड़ हमारे दफ्तर में नहीं होगी। बहुत ज़रूरी जिनको होगा तभी हमारे गेट खुलते हैं। कोविड के नियमों का मैं बिल्कुल कड़ाई से इसलिए पालन करना चाहता हूं, ये मानवता पर खतरा है, ये कहीं ना कहीं सबके लिए। तो बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर आरजेडी ने यह बड़ा फैसला लिया है और आपको ये बताते चले कि यह कार्यालय को फिलहाल बंद कर दिया गया है कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन पार्टी के जोरे जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके लिए ऑफिस खुला रहेगा और उन्हें अंदर आने की जो अनुमति है वो रहेगी। और कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए इस तरीके का जो फैसला है वो किया गया है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता पटना से बिरजू सिंह जुड़ चुके हैं जो कि जानकारी देंगे। और साथ ही साथ बिरजू आपसे यह जानना चाहेंगे कि कोविड को देखते हुए गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात कही गई है, आरजेडी ऑफिस का जो स्थिति है वो जानना चाहेंगे, वहां का जो हलचल किस तरह देखा जा रहा है या फिर ऑफिस में सन्नाटा पसरा हुआ है बिरजू? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बिहार में बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक गाइडलाइन जारी किया जा रहा है, उसको देखते हुए आरजेडी दफ्तर को भी, क्योंकि यही आरजेडी दफ्तर है जहां कल तक एक बड़ी भीड़ हुआ करती थी, लगातार जो है एक के बाद एक बैठक हुआ करता था, तमाम जो पदाधिकारी थे वो बैठक करते थे, मीटिंग हुआ करती थी, लेकिन आज जो है नए गाइडलाइन जो आए हैं उसको लेकर जो धर्म स्थल है उनको बंद किया गया है और साथ ही साथ जो राजनीतिक दफ्तर है उनपे भी कहीं ना कहीं पाबंदी लगाई गई है कि भीड़ न लगाया जाए और अनाधिकारिक प्रवेश को बंद कर दिया जाए। और इसी को लेकर राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि प्रदेश कार्यालय में अनाधिकारिक प्रवेश वर्जित है, जो भी पदाधिकारी है वो आ रहे हैं और तमाम जो कोरोना गाइडलाइंस है उसका पालन किया जा रहा है और सभी लोग, हालांकि हमने बातचीत की शक्ति सिंह यादव जो प्रदेश प्रवक्ता है तो उन्होंने साफ साफ शब्द में कहा कि जो कोरोना का गाइडलाइन आया उसके अनुसार हम लोग प्रदेश कार्यालय को आज बंद किए हैं, बंद नहीं मतलब कि अभी जो पदाधिकारी है वो सिर्फ आएंगे कार्यकर्ताओं के लिए, बंद कर दिया गया है ताकि भीड़ इकट्ठा न हो। जी बिल्कुल बिरजू, यहाँ पर कोरोना के नए गाइडलाइंस का यहाँ पर पालन करता हुआ जो नजर है राजनीतिक दल करते नजर आ रहे हैं। अगर राजनीतिक दलों की बात की जाए तो क्या सिर्फ आरजेडी ने ही इस तरीके के पहल की है, अपने कार्यालय को बंद रखा है? क्योंकि उसी वीरचंद पटेल पद पर जेडीयू ऑफिस भी है, बीजेपी ऑफिस भी, और भी कई ऐसे राजनीतिक दल है जहां पर वहां पर कार्यालय है, तो क्या सिर्फ आरजेडी ऑफिस ही बंद रखी गई है या फिर अन्य ऑफिस भी है जहां पर इस तरीके के गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है? जेडीयू का भी दफ्तर है, हालांकि इस तरह की बंदिशें वहां लागू नहीं की गई है, वहां पे लोगों का आना जाना है, जो गेट है वहां भी वहां दोनों गेट खुले हुए हैं। जो आरजेडी में जिस तरीके से गाइडलाइन का पालन हुआ वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल बीजेपी की बात की जाए, जेडीयू की बात की, वहां ये सारी चीजें लागू नहीं हो रही है। भैया चूंकि बड़े पदाधिकारियों के लिए ऑफिस खुला रहेगा और आम कार्यकर्ताओं के लिए जो ऑफिस वो बंद रखी जाएगी, क्या लगता है पार्टी में किसी तरह की जो बैठक है वो फिलहाल रखी गई या फिर सारे बैठकें जो होंगी वो फिलहाल टाल दी गई है? नहीं नहीं, जो जो भी बैठकें थी वो टाल दी गई है, तो जरूरी कामों को लेकर जैसा कि उन्होंने कहा है उस जरूरी जो काम है उसको लेकर हम लोग पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं और तमाम जो कोरोना गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए पार्टी दफ्तर में बैठ रहे हैं और जो भी बैठक थी वो सारी बैठकें जो है कैंसिल कर दिया गया है। जी
चलिए शुक्रिया बिरजू आपका इस खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए। तो आपको ये बता दी चले कि कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो करने की जो बात है वो कही गई है, साथ ही साथ जो तस्वीर है वो भी देखने को मिली जहां पर आरजेडी ने अपना ऑफिस बंद रखा है और कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात कही है। और इसी को लेकर जो राजद का जो दफ्तर है, जो कार्यालय है, वो फिलहाल कार्यकर्ताओं के लिए बंद कर दिया गया है।